दोस्तों नवरत्न के सेल्स डेटा ऑटो के आप लोगों ने देख लिए पार्ट 1, और अब हम आएंगे रियल डेटा पे जो कि पूरा 6 महीना रिफ्लेक्ट करेंगे। 6 मंथ मीन्स क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2। ये 6 महीने में जो वॉल्यूम आए हैं, ये आपके जो इन्वेस्टेड स्टॉक्स है उसका मोमेंटम बताएंगे। और आप ध्यान रख सकते हो कि मेरा अगर इन्वेस्टमेंट इन मोमेंटम स्टॉक्स में है तो मैं इसमें और आगे क्या करूं, राइट? तो बड़े इंपॉर्टेंट डेटा दोस्तों पूरे 6 महीने के कंपनी वाइज इंडिविजुअली अलोंग विद मंथ वाइज डेटा हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आपको पूरे आने वाले अगले वॉल्यूम्स तक काम लग सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम लोग सीधे आ जाते हैं डेटा पे। दोस्तों डेटा आपके सामने है, 15 अक्टूबर को हमने इसको अपडेट किया है। ये ओवरऑल सबसे पहले दोस्तों ऑटो इंडस्ट्री का डेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप ग्रांड टोटल देखो तो इस बार 28% से वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है। दोस्तों इसकी सीधी इफेक्ट पिछले साल की जो आपके सेल्स थे उसके मुकाबले इस साल के सेल्स पे पड़ेगी। 6 महीने का डेटा बताता है कि पूरे साल का ग्रोथ करीबन 12-15% तो रहने वाला है, राइट? ये 28% में क्वार्टर 1 जो कि लो बेस वाला था वो भी आ गया। तो हम उम्मीद कितना करेंगे वॉल्यूम ग्रोथ में? 15% तो दोस्तों उम्मीद करेंगे। अभी भी एक और इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि कोविड और प्री कोविड, दोस्तों कोविड के साल के मुकाबले अभी भी हम 9.2% वॉल्यूम में डाउन है। तो ये चीज को दोस्तों भूलने का नहीं, अभी तक ऑटो इंडस्ट्री अपने कोविड के लेवल को पार करके ऊपर नहीं निकल सकी है। ज्यादातर अब टू व्हीलर डेटा देखोगे दोस्तों तो टू व्हीलर का कोविड के समय से अभी तक ये 6 महीने भी 17% से वॉल्यूम्स डाउन है। तो टू व्हीलर इंडस्ट्री बुरी तरह से अफेक्टेड इंडस्ट्री है। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने नवरात्र के डेटा देखे, सितंबर के डेटा देखे, पहली बार हमने ग्रोथ देखा है। तो वो ग्रोथ की वजह से ये फिर भी थोड़ा इंप्रूवमेंट है, नहीं तो बुरा हाल था। देखो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि पिछले साल के मुकाबले 26% का ग्रोथ है, पर इसको भी भूलना नहीं। इसी से पता चलता है कि क्यों आपके टू व्हीलर की कंपनियां अफेक्टेड है 2019 के भी भाव से, राइट? अब टू व्हीलर यानी कौन, सबसे बड़ा हिस्सा किसका है दोस्तों? यहाँ एक जमाने में हीरो और होंडा दोनों एक हुआ करते थे, राइट? इनका मैरिज हुआ था 1984 के करीब, 2014 तक सपोर्ट रहा, 2012 में डाइवोर्स हो गया, राइट? उस समय दोस्तों इन दोनों का कंबाइन शेयर मार्केट में एकदम तगड़ा था, 40% का। पर अभी अभी अगर हम देखें दोनों के स्प्लिट होने के बाद, तो होंडा ने हीरो को टक्कर दे दी है वापस से जीरो से शुरू करके। तो होंडा को मानना पड़ेगा तगड़ा मार्केट इन्होंने इंडिया में बनाया हुआ है, राइट? हालांकि हीरो का उस समय ये कहना था कि हम लोग स्प्लिट हो रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट को एक्सप्लोर करने के, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में होंडा ऑलरेडी होगा, फिर हम तो कभी जा ही नहीं पाएंगे, राइट? अभी तक लेकिन हीरो के केस में हमने इंटरनेशनल मार्केट का एक्सप्लोरेशन इतना खास कुछ देखा नहीं है, राइट? तो होंडा ने बाजी वापस मार ली और होंडा इज नंबर 1 कंपनी ऑफ टू व्हीलर अगेन। होंडा नंबर 1, हीरो नंबर 2, ये दोनों राजा है। दोस्तों राजा हम किसे कह रहे हैं पता है? यहाँ पे जो भी कंपनी के नाम लिखी ये वो कंपनियां है जो टोटल वॉल्यूम का 50% वॉल्यूम कंट्रीब्यूट करती है। मतलब अगर यहाँ आपका डेटा कहता है कि ये 6 महीने में 66 लाख टू व्हीलर बिके हैं, तो इनमें से 50% यानी 33 लाख व्हीकल होंडा और हीरो के कॉम्बिनेशन में, मतलब ये दोनों कंपनियों ने मिलके बेचे होंगे। दैट्स व्हाई वी से दिस आर द किंग ऑफ दिस सेक्टर। थ्री व्हीलर देखे दोस्तों, तो थ्री व्हीलर का भी प्री कोविड के मुकाबले दोस्तों 7.5% का अभी भी डी ग्रोथ है। तो थ्री व्हीलर भी अभी तक कोविड के साल को पार नहीं कर सका है, राइट? पर ये साल 119% का बूम ग्रोथ, तो बढ़िया ग्रोथ दिखाए। और हम देखेंगे कि अब थ्री व्हीलर भी कोविड लेवल को पार कर देगा, राइट? थ्री व्हीलर करीबन दोस्तों आप जैसा देख रहे हो 3 लाख थ्री व्हीलर बिके है, इसमें ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन आपके ई व्हीकल्स का है। थ्री व्हीलर का राजा बजाज ऑटो के बाद वैसे सबसे बड़ा मार्केट शेयर 30% से ज्यादा, ये किंग है थ्री व्हीलर के, पर जो कि हमको यहाँ 50% का डेटा लिखना है। तो
50% डेटा में बजाज पियागियो, वाईसी इलेक्ट्रिक, एम एंड एम, सायरा इलेक्ट्रिक, ये चार पांच कंपनियां मिलके 50% का मार्केट पे राज कर रही है। पैसेंजर व्हीकल दोस्तों इस साल 27% से बढ़े हैं, तो अच्छा ग्रोथ है। इनफैक्ट पैसेंजर व्हीकल तो कोविड लेवल से भी 25% ज्यादा है, तो बढ़िया है दोस्तों। पैसेंजर व्हीकल में इस साल करीबन 15 लाख पैसेंजर व्हीकल बिक चुके हैं, कोविड वाले साल 12.5 लाख से ज्यादा, राइट। तो ये डिकेडल हाई होने वाला है पैसेंजर व्हीकल के लिए ये साल, तैयार तो रहना दोस्तों। पैसेंजर व्हीकल की कंपनियों में कौन है राजा पैसेंजर व्हीकल का? मारुति एंड हुंडई आर द किंग्स ऑफ पैसेंजर व्हीकल इन इंडिया। दुख की बात है दोस्तों, दोनों ही बाहर की कंपनी है, इंडियन कंपनी अभी तक दोस्तों टॉप के शेयर में नहीं है दोस्तों, राइट। मारुति एंड हुंडई बोथ आर मल्टीनेशनल कंपनीज। ट्रैक्टर्स, ट्रैक्टर्स का ये 6 महीना हम देखें दोस्तों तो पिछले साल के मुकाबले 11% है, और ये प्री कोविड के मुकाबले अगर सबसे तगड़ा कोई सेक्टर चला है तो दोस्तों वो ट्रैक्टर का सेक्टर है। तो इसीलिए ट्रैक्टर की जो कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा, आपने देखा होगा ब्रेकआउट दे के वो तो कब की ऊपर भी चली गई, तो ट्रैक्टर का सेल्स बढ़िया रहा, ये साल भी अच्छा है पिछले साल कोविड के मुकाबले बढ़िया। महिंद्रा एंड महिंद्रा राजा है। दूसरे नंबर की कंपनी स्वराज, वो भी महिंद्रा एंड महिंद्रा की है, तो आप अंदाजा लगाओ दोनों महिंद्रा एंड महिंद्रा की कंपनियां मिलके करीबन दोस्तों ये 50% के करीब पहुंच जाते हैं। टाफे का भी हिस्सा है दोस्तों कुछ इसके अंदर, तो ये तीन कंपनी राजा है। कॉमर्शियल व्हीकल दोस्तों का अगर इस साल देखे तो 54% का ग्रोथ है, करीबन दोस्तों 4 लाख कॉमर्शियल व्हीकल बिके हैं। अब देख सकते हो इंडिया में 3 लाख ट्रैक्टर 6 महीने में बिक जाते हैं, तो कॉमर्शियल व्हीकल 4 लाख बिकते हैं, राइट। कोविड के लेवल से ये खाली 1.2% ज्यादा कर रहा है, तो कोविड कॉमर्शियल व्हीकल भी टॉप परफॉर्मेंस में नहीं था, राइट। टॉप परफॉर्मर कौन बोलेंगे दोस्तों? ट्रैक्टर एंड पैसेंजर व्हीकल। कॉमर्शियल व्हीकल का राजा कौन है इंडिया का? टाटा मोटर और महिंद्रा एंड महिंद्रा के कॉम्बिनेशन से 50% मार्केट होता है, लेकिन टाटा मोटर का मार्केट बहुत ही बड़ा है कॉमर्शियल व्हीकल में इंडिया में, राइट। तो कुल मिला के दोस्तों हम कोविड से अभी भी 9% डाउन है, राइट, और पिछले साल से 38% ग्रोथ है, तो चलो ऑटो में वापस से बिकवाली आ रही है। एक एक करके देख रहे हैं अभी हर एक सेक्टर को, तो बड़ा काम लगेगा दोस्तों। मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक वाइज भी डाला हुआ है, पर स्टॉक वाइज तभी पता चलेगा जब आपको इंडिविजुअल इंडस्ट्री वाइज पता चले, राइट, कि धंधा कैसा है। सेल्स फिगर देख लो दोस्तों, टू व्हीलर का रिटेल डेटा दोस्तों, मैंने पूरे 6 महीने तक के डेटा दिए हुए दोस्तों, जो टू व्हीलर में आप देख सकते हो कोविड अभी तक दोस्तों, या अभी तक 6 महीने बीत गए हैं, पर पूरे साल की शुरुआत से लेके अभी तक हम कोविड के लेवल को पार नहीं कर सके हैं दोस्तों, राइट। तो कोविड में जो बिक्री थी उससे अभी भी दोस्तों हम 17% डाउन है, तो टू व्हीलर में हम कह सकते हैं दोस्तों इतने अच्छे हाल नहीं है दोस्तों। साल की शुरुआत से ही ये बैक फुट पे आपका टू व्हीलर का सेल्स आया हुआ था। अब ये साल अगर हम देखें तो ये साल का ग्रोथ दोस्तों अच्छा है। क्वार्टर वन में हम 60% ग्रोथ में थे पिछले साल के मुकाबले, तो लास्ट ईयर के मुकाबले सेल्स डेटा अच्छे है। अभी भी दोस्तों अगर हम 6 महीने के डेटा देखें क्वार्टर टू को मिला के, तो ये 26% का ग्रोथ अभी भी है। आप देख सकते हो क्वार्टर वन में 60% ग्रोथ था, क्वार्टर टू में दोस्तों खाली 1% का ग्रोथ यहाँ पे आया है। तो क्वार्टर वन में 60 क्यों था दोस्तों? ये आपके लो बेस की वजह से था, राइट। अभी हम ये कहेंगे दोस्तों कि इस साल टू व्हीलर की बिक्री पिछले साल के मुकाबले 26% है, ये 12-15% दोस्तों पूरे साल रहेगी, राइट। तो टू व्हीलर में सेल्स मिलेंगे दोस्तों हमको। टू व्हीलर में कौन कैसा कर, तो दोस्तों मैंने सबसे पहले रैंकिंग किया, 1, 2, 3, 4 रैंकिंग दी हुई, यानी ये चार जो कंपनियां है ये 80% मार्केट के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो जो चार कंपनी मिलके 80% धंधा करती है और बाकी की 11 कंपनी मिलके खाली 20% में है, तो सारे डेटा जब मैं बताऊं तो ये ध्यान रखना कि 80% टॉप परफॉर्मर में रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो यस होंडा,
जो कि पिछले साल 25.8% का मार्केट शेयर था दोस्तों, ये लोग अपने मार्केट शेयर को बढ़ा रहे हैं। तो ये बड़ी ही पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों, होंडा फ्रंट फुट पे है। हीरो मोटर देखें तो पिछले साल का 30% का मार्केट शेयर गिर के 25% पहुंच चुका है, तो वेरी बैड डेटा फॉर हीरो। टीवीएस ग्रो कर रहा है, ये तीसरे नंबर पे था, तीसरे पे है, 15% का इनका मार्केट शेयर रहता है, ये 16.8 करीबन 17% का मार्केट शेयर है, थोड़ा बहुत इंप्रूव हुआ है। पर सबसे बढ़िया कौन, होंडा। कहां पे गिरावट आई है, हीरो के सेल्स में दोस्तों बुरी गिरावट आई है, और इसकी इफेक्ट आप उनके मार्क उनके चार्ट पे भी देख सकते हो दोस्तों। बजाज ऑटो दोस्तों, इनका भी डेटा बहुत अच्छा नहीं है। टू व्हीलर में दोस्तों ये इंडिया में वैसे भी चौथे नंबर पे है, पिछले साल भी चौथे नंबर पे थे, और ये तो पिछले साल से और मार्केट शेयर इनका गिर के 12.5 12.7 यानी करीबन 13 से 10.4 आ चुका है। तो बजाज ऑटो के लिए ये, बजाज और हीरो दोनों के लिए बुरे समाचार ये हुए दोस्तों, राइट। अभी के नहीं, ये कंटिन्यू ट्रेंड ऐसा है दोस्तों, राइट, कि इन डोमेस्टिकली बजाज इतना अच्छा नहीं कर, और हीरो देखो बजाज के लिए तो फिर भी 50% मार्केट इंटरनेशनल है, वहां से भी ये कुछ कर सकते हैं। ये थ्री व्हीलर में बड़े खिलाड़ी है, वहां से भी कुछ कर सकते हैं, पर हीरो के लिए तो यही धंधा है। अगर हीरो का टू व्हीलर डोमेस्टिकली बिगड़ेगा तो बुरे हाल हो जाए, राइट। बजाज को भी कहना पड़ेगा, ये बार बार इनके कमेंट आते हैं ओला के ऊपर भी, पर देखो ओला तो उल्टा आगे निकलने लगा है, 0% से ये 0.93 पहुंच गए। ये 6 महीने में ओला, 6 महीने नहीं सॉरी, ये सितंबर महीने में ही 9,000 व्हीकल बेच चुके हैं। तो अभी 9-10 हजार, 9-10 हजार व्हीकल ओला हर महीना बेचेगा, तो ओला की तो आगे गिनती जाने लगी है। और बाकी जो एंथर है, एम्पर है, ये सारे ई व्हीकल अपना स्टेक आप देख सकते हो दोस्तों, ज्यादातर ई व्हीकल अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं, राइट। तो ये धंधा खा रहे हैं। और देखो एक रैली तो मिस कर ली बाजार ने, मोपेड की। मोपेड में भी कुछ ऐसा ही हाल था, ये लोगों ने लॉन्च नहीं किए थे, दूसरी कंपनियां मोपेड में मार्केट मार गई, होंडा को उसमें सबसे ज्यादा एक्टिवा में फायदा हुआ, बजाज ने वहां पे मार खाई। अब ई व्हीकल में भी ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्होंने लॉन्च किया है, पर फिर भी दोस्तों एग्रेसिवनेस हमें डेटा में दिखनी चाहिए, मार्केट शेयर इंप्रूव होना चाहिए, नहीं तो ये डोमेस्टिकली टू व्हीलर मार्केट में दोस्तों एक रिस्क हुआ। मैं खास इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग बजाज में इन्वेस्ट निवेशक है, तो हमें डोमेस्टिक का मार्केट भले बजाज के लिए 25% से ज्यादा नहीं है टोटल टर्नओवर में टू व्हीलर और डोमेस्टिक, पर फिर भी दोस्तों इंप्रूवमेंट चाहिए, राइट। तो आप देख सकते हो दोस्तों बाकी ई व्हीकल भी अच्छा कर रहे हैं, राइट। ओवरऑल 9% से अगर मार्केट बढ़ा है तो वो दोस्तों होंडा का बढ़ा है, होंडा ने अपना मार्केट में दबदबा किया है, बाकी हीरो बजाज दोनों का डिक्रीज हुआ है, ऑलराइट। थ्री व्हीलर के डेटा देखें दोस्तों, तो थ्री व्हीलर में अब तक H1 के डेटा हम देख रहे हैं, मतलब पूरे 6 महीने में 60.5% अभी भी प्री कोविड से थ्री व्हीलर की बिक्री डाउन है, तो थ्री व्हीलर परफॉर्म नहीं कर रहा इतना अच्छा अभी। लेकिन क्वार्टर वन में 200% का ग्रोथ था, क्वार्टर टू में भी वो मेंटेन रहा अच्छा ग्रोथ, क्या हुआ, पूरे 6 महीने में 100%+ का ग्रोथ दोस्तों थ्री व्हीलर में आ चुका है, थ्री व्हीलर रिबाउंड कर रही है, राइट। तो थ्री व्हीलर में कौन बढ़ रहा है ये देखना भी जरूरी है। थ्री व्हीलर के राजा मैंने आपको बताए थे, बजाज ऑटो के पास दोस्तों 30% का मार्केट है थ्री व्हीलर में, पर दोस्तों ये डिक्रीज हुआ है 37 to 30, तो ये बात अच्छी नहीं है दोस्तों, राइट। बजाज ऑटो का 37 का 31 का अगर मार्केट शेयर हुआ है, देखो वैसे तो क्या होता है, कोई भी जिनका बहुत बड़ा मार्केट है दूसरी कंपनियों के आने से मार्केट डिक्रीज होता है, धीमे धीमे दूसरे लोग बड़े होते हैं, ये भी बड़े होते हैं पर मार्केट शेयर थोड़ा खा जाएंगे, जैसे LIC का मार्केट गया, राइट, जैसे मारुति का मार्केट, क्योंकि एक जमाने में आपकी मोनोपोली थी, फिर धीमे धीमे कंपनी आई, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़ी कंपनी कुछ नहीं कर पाएगी, बड़ी कंपनी के भी ग्रोथ होंगे, पर मार्केट शेयर धीमे धीमे डिक्रीज होता है, पर ये धीमे नहीं है, ये बड़ा डिक्रीमेंट दिख रहा है यहाँ पे। तो बजाज ऑटो डोमेस्टिकली दोस्तों अच्छा नहीं कर रही है, क्या करें दोस्तों। टू व्हीलर में भी हमने यही हाल देखा, थ्री व्हीलर में भी यही हाल देखा, शेयर तुम्हारा बहुत तगड़ा है,
और ये शेयर ड्रेस्टिकली डिक्रीज हो रहा है। तो कौन यहाँ पे तगड़ा ग्रोथ कर रहा है? अगर हमने यहाँ देखा कि 72% का ओवरऑल थ्री व्हीलर का ग्रोथ है, राइट, ओवरऑल यहां पे अगर थ्री व्हीलर का 72% ग्रोथ है, तो उससे ज्यादा ग्रोथ करने वाले कौन है दोस्तों? महिंद्रा एंड महिंद्रा। लेकिन उनका मार्केट शेयर बहुत कम है, पर ये सब ग्रोथ बढ़िया कर रहे हैं, राइट। फिर वाईसी इलेक्ट्रिक, महिंद्रा रेवा, बराबर है ये सब। देखो अतुल और बजाज, इन लोगों के पास अच्छा शेयर था। अभी अतुल का भी मार्केट शेयर काफी डिक्रीज हो गया, 3.4 से 2.3। तो इन दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा। अभी अतुल ध्यान रखे नहीं रखे कोई बात नहीं, पर हमारी बजाज को ध्यान जरूर रखना पड़ेगा दोस्तों। मार्केट शेयर इतना ड्रेस्टिकली डिक्रीज नहीं होना चाहिए, नहीं तो ग्रोथ हमको बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, राइट। कौन है दूसरे खिलाड़ी जो बड़े होते जा रहे हैं? आप देख सकते हो दोस्तों, पिछले साल काफी कम मार्केट शेयर था अदर्स का, ये 30% पहुंच चुके, तो अदर भी बढ़िया कर रहे हैं। टीवीएस का भी मार्केट शेयर बड़ा नहीं है बहुत खास, 2 से या राइट, उन्होंने 2 व्हीलर में अच्छा किया, पर 3 व्हीलर में अभी भी वो लो है। पैसेंजर व्हीकल का आप डेटा देखते हैं दोस्तों, पैसेंजर व्हीकल में 6 महीने बीत चुके, 25% का हम लोग कोविड टू कोविड ग्रोथ देख रहे हैं, राइट। इस साल का ग्रोथ 27% का है। तो कौन है और कैसे ग्रोथ हो रहा है? ये साल का 27% ग्रोथ है, क्वार्टर वन में 63 था लो बेस की वजह से, तो ग्रोथ अभी भी मेंटेन है दोस्तों, अच्छा ग्रोथ हम इसको कहेंगे। 15% प्लस का ग्रोथ पैसेंजर व्हीकल में मिलने की पूरी उम्मीद है, और कोविड से तो हम आगे ही चल रहे हैं, तो पैसेंजर दोस्तों बढ़िया परफॉर्म करेगा। पर पैसेंजर में कौन कैसा कर रहा है? तो यहां पे मारुति 42% का उनका मार्केट शेयर था, ये डिक्रीज होके 40% आ चुका है, राइट। तो थोड़ा बहुत डिक्रीमेंट यहाँ पे दिखा है, पर मारुति को भी यस ग्रोथ बढ़िया करना पड़ेगा। इनका 5% का दोस्तों ग्रोथ हुआ है सितंबर महीने, तो ओवरऑल तो 25% का ग्रोथ देखा, तो ग्रोथ की बाजी कौन मार गया, कौन अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहा है? आप देख सकते हो दोस्तों, टाटा मोटर बड़ी एग्रेसिवली काम कर रही है, 50% 3% ग्रोथ इज ऑब्वियसली वेरी गुड ग्रोथ दोस्तों, और बहुत खुशी की बात है। देखो पहली दोनों कंपनियां फॉरेन की कंपनियां है, पर अब इंडिया में क्या हो रहा है? देखो इंडियन कंपनी अपनी टाटा मोटर ने ग्रोथ किया, दूसरी अपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा बढ़िया ग्रोथ कर रही है, इंडिया का भी ग्रोथ है, ये इंडियन नहीं है, पर चलो अपनी दोनों कंपनियां कम से कम तीसरे चौथे नंबर पे तो आई दोस्तों। ये डेटा के आधार पे ये लगता है कि हम हो सकता है ये 2-3 सालों में देखें कि टाटा मोटर हुंडई को पीछे छोड़ के नंबर टू पोजीशन पे आ जाए, बड़ी खुशी की बात दोस्तों ये होगी, राइट। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये 5 कंपनियां मिलके 80% धंधा कंट्रीब्यूट करती है, राइट। और टाटा मोटर और महिंद्रा महिंद्रा दोनों के लिए थम्स अप, खास करके दोस्तों टाटा मोटर है ना, बहुत बढ़िया मार्केट शेयर इन्होंने अपना 10 से 13 यानी ये बहुत 14 यानी ये बहुत बड़ा जंप है, बराबर। तो ये लोगों का धंधा खा गए है। टोयोटा करीबन 5% का मार्केट शेयर आप देख सकते हो दोस्तों, होंडा और वो सबका तो बहुत कम है, जैसे वॉक्सवेगन ऑडी ये सब स्कोडा में आते हैं, 2% का मार्केट शेयर इनका बड़ा है, दोस्तों पिछले साल 2.5% था, राइट। रिनोल्ट ना एमजी, देखो ये चाइना फैक्टर यहाँ पे काम कर, देख रहे हो आप लोग दोस्तों, एमजी बहुत कुछ ग्रोथ ही नहीं हुआ, मतलब ओवरऑल 2 व्हीलर अच्छा कर रहा है, पर एमजी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है दोस्तों यहाँ पे, राइट। चाइना फैक्टर, निसान, फियाट, मर्सिडीज दोस्तों 1000 मर्सिडीज बिक चुकी है सितंबर महीने में, नवरात्रि। अब दोस्तों ये डेटा ये बताता है दोस्तों यहाँ पे उनका मार्केट शेयर, साथ में पिछली नवरात्रि के मुकाबले खाली 1% ज्यादा बिक गया, और ये एक्स्ट्रा प्रीमियम प्रोडक्ट है। बीएमडब्ल्यू, सॉरी सॉरी हाँ, जस्ट अ मिनट, 14% का डीग्रो, इनका डीग्रो था दोस्तों कौन से साल के मुकाबले देख लो, मर्सिडीज का पिछले साल के मुकाबले, राइट। उसी प्रकार से अगर बीएमडब्ल्यू देखे, उनका भी 1% का ग्रोथ है, 850 BMW ये पिछले एक ही महीने में सितंबर में बिक चुकी है दोस्तों। ये सबकी गिनती नहीं होती है, फोर्स ना जैक, जैकवार का भी बिजनेस दोस्तों 26% से वैसे डाउन है, पर
पर 162 जैक्वार एंड लैंड रोवर भी किए, वोल्वा की 112 का 12 गाड़ियां, 27% डाउन, पोर्श देखो, लैम्बोर्गिनी 7 भी किए दोस्तों सितंबर महीने में, बेंटली 3, रोल्स रॉयल्स 2, ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल दोस्तों अच्छा कर रहा है, और टाटा मोटर का इसमें परफॉर्मेंस कोई डाउट ही नहीं है, वॉल्यूम वाइज बहुत अच्छा है, राइट। ट्रैक्टर्स, ट्रैक्टर जो कि हमने शाइनिंग देखा था, आउट परफॉर्मर देखा था दोस्तों इनको कोविड के जमाने से, राइट। अब यहाँ पे दोस्तों इस बार का हम देखे तो 32% का ये पूरे साल का दोस्तों इनका ग्रोथ, हालांकि सितंबर के महीने में नेगेटिव ग्रोथ रहा है, पर फिर भी दोस्तों पूरे साल का तो ग्रोथ इनका दोस्तों बढ़िया ही है, कोविड के मुकाबले 32 और ये साल 11, तो ये ग्रोथ कौन लेके जा रहा है। अब ट्रैक्टर का पूरा देखो, भले 1% से ग्रोथ डिक्रीज हुआ है, पर जो राजा है उसका ग्रोथ डिक्रीज नहीं हुआ है, महिंद्रा एंड महिंद्रा दोस्तों 22% का उनका मार्केट शेयर था, इंक्रीज किया है, ये जबरदस्त बात है दोस्तों, स्टार लगाने वाली बात, बहुत बढ़िया कर रहा है महिंद्रा, बड़ा मार्केट शेयर होने के बावजूद वो अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज कर पा रहे हैं, राइट। दूसरी कंपनी स्वराज, वो भी महिंद्रा एंड महिंद्रा की है, तो दोनों कंपनी मिलकर अब बड़ा धंधा देख रहे हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा पे इसकी पॉजिटिव स्टॉक पे इफेक्ट आनी चाहिए, नियर टर्म में भले नेगेटिव है, -1% का इस साल ट्रैक्टर का सेल्स है, पर उनका फिर भी इतने बुरे हाल नहीं, राइट। फिर आता है टाफे तीसरे नंबर पे दोस्तों, 80% मार्केट में ये 6 कंपनियां आती है, 6 मतलब इंडिया में अगर 50,000 ट्रैक्टर बिके सितंबर में तो 80% ये सब ने बेचे, राइट। तो टाफे, सोनालिका, राइट, 11% मार्केट शेयर, धंधा डिक्रीज हुआ है, एस्कट 10% मार्केट शेयर दोस्तों, 60% से डिक्रीज हुआ है, जॉन डियर प्रीमियम ट्रैक्टर दोस्तों 8% मार्केट शेयर, 10% से डिक्रीज हुआ, आइसर 6%, न्यू हॉलैंड की अच्छी बिक्री है, कुबोटो दोस्तों, ये कुबोटो जापान की सबसे बड़ी एग्री की कंपनी है, अभी एस्कट के साथ इनका जॉइंट वेंचर हुआ है दोस्तों, तो अभी कुबाटो मतलब ये एस्कट में ही गिना जाता है इंडिया में, राइट। वीएस डिटेलर आपकी मित्सुबिशी, खाली 550, कुछ भी नहीं है, कैप्टन अपना राजकोट, फोर्स मोटर, इंडो फार्म, अदर्स नथिंग, अदर्स मिलके ऐसा नहीं है बहुत बड़ा धंधा कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ महिंद्रा महिंद्रा राजा है भी बढ़िया कर रहे हैं, ट्रैक्टर भी अच्छा है, कंटिन्यूटी ट्रेंड भी बढ़िया है, राइट। कॉमर्शियल व्हीकल दोस्तों, कॉमर्शियल व्हीकल में ये 6 महीने में 4 लाख कॉमर्शियल व्हीकल तो बिके, सितंबर में दोस्तों 71,000 बिके, ग्रोथ देखो दोस्तों 19% का सितंबर में भी हुआ है, और कोविड के मुकाबले 16% ग्रोथ, तो पूरा अगर 6 महीना देखिए अभी हम तो 1% का कोविड से ज्यादा ग्रोथ, तो चलो ग्रोथ में तो आ चुका है ये कॉमर्शियल व्हीकल भी, कोविड लेवल से पार है, ये कौन है सबसे बड़े खिलाड़ी दोस्तों, 80% टर्नओवर के लिए खाली ये 3 कंपनियां रिस्पॉन्सिबल है, टाटा मोटर जिनके पास बड़ा तगड़ा मार्केट है 40%, पर ये भी याद रखना अभी हमने पैसेंजर व्हीकल में टाटा मोटर को दूसरे नंबर पे देखा, सॉरी तीसरे नंबर पे देखा, कॉमर्शियल व्हीकल में हम टाटा मोटर को नंबर 1 देख रहे हैं, पर इनको सबसे बड़ा धंधा इंटरनेशनल मार्केट से आता है, तो अगर आप टाटा मोटर को इंटरप्रेट करोगे तो इंटरनेशनल सिनेरियो को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, बराबर है, इंटरनेशनल में मंदी होगी तो उसकी भी इफेक्ट इन पे पड़ेगी क्योंकि धंधा उधर से आ रहा है, अब वो चीज की इफेक्ट आपकी लोकल कंपनियों को नहीं पड़ेगी, राइट। तो टाटा मोटर 40 और महिंद्रा एंड महिंद्रा काफी बड़ा दबदबा है 25%, अशोक लेलैंड का मार्केट शेयर 15 दोस्तों, आप देख सकते हो अपनी टाटा मोटर, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा तीनों तीन कंपनियों का मार्केट शेयर तो बढ़िया है, टाटा मोटर का थोड़ा डिक्रीज हुआ है, पर महिंद्रा एंड महिंद्रा कॉमर्शियल व्हीकल में अभी भी इंक्रीमेंट बढ़ोतरी के साथ कंटिन्यू है, तो M&M दोनों में अच्छा कर रहा है, पैसेंजर व्हीकल अलोंग विद कॉमर्शियल व्हीकल दे आर डूइंग वंडर, राइट। बाकी सबकी कोई गिनती नहीं है, कुछ देख के काम नहीं है इन लोगों को, राइट, क्योंकि उनका कुछ मार्केट ही नहीं, तो ये डेटा के आधार पर दोस्तों हम क्या बता सकते हैं, पूरा डेटा हमने ऑटो का देख लिया, यस दोस्तों टू व्हीलर नींद से खड़ा हो चुका, थ्री व्हीलर धीमे धीमे करने लगा है, पर फिर भी ये दोनों सेक्टर ऐसे जो कोविड अफेक्टेड है, कोविड से ज्यादा धंधा नहीं है, पैसेंजर व्हीकल एंड ट्रैक्टर आर डूइंग वंडर, पैसेंजर व्हीकल में कौन अच्छा कर रहा है, टाटा मोटर अच्छा कर रहा है, M&M अच्छा कर रहा है, ट्रैक्टर में कौन कर रहा है, M&M बढ़िया राजा है, वो बढ़िया काम कर रहा
इनकी इफेक्ट दोस्तों स्टॉक पे क्या पड़ रही है। ये मैंने ऑटो इंडेक्स का दोस्तों अब तक का चार्ट। दोस्तों ऑटो इंडेक्स भी एक रिटेल का पार्ट है और रिटेल इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, तो रिटेल में तो ध्यान रखना है, पर रिटेल में ऑटो इतना बढ़िया कुछ समय से नहीं कर रहा था। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, पुराने समय पे जब 2008 में मंदी चल रही थी, तब इनफैक्ट ऑटो ही था जो सबसे पहले रिकवर हुआ था। ऑटो, बैंकिंग, एफएमसीजी, मंदी से सबसे पहले ये लोग बाहर निकले थे। तो ये इन्होंने रैली भी जबरदस्त दी थी दोस्तों, 6 गुना इंडेक्स हो चुका था, राइट। पर ये समय पे हम कहते थे दोस्तों कि चलो ऑटो बहुत अच्छा है, पर ऐसा नहीं है कि आप सीधे सीधे कोई ऑटो का स्पेसिफाइड फंड में इन्वेस्ट करो। फिर क्या होता है ना कि फिर वो इंडेक्स परफॉर्म नहीं करता है, मतलब मान लो ऑटो में कोई प्रॉब्लम आ गया तो फिर आपका पूरा पोर्टफोलियो बिगड़ जाता है। ऐसा कभी नहीं करने का। हम लोग ये टाइम पे ज्यादा इन्वेस्टेड थे, 10-12% हमारा इन्वेस्टमेंट रहता था, पर ये भी ज्यादा है, राइट। पर हम देखते थे कुछ लोग के पोर्टफोलियो में 50-50% ऑटो भरा रहता था, तो बहुत खुश रहते थे, कमाई थी तब। पर देखो प्रॉब्लम आया तो फंसे ना। अभी टेक्नोलॉजी सेक्टर में क्या हुआ, हम कितने भी हम पॉजिटिव हम क्या कहते थे, ओवरऑल टेक्नो में, पूरे टेक्नो में भी 25% इन्वेस्ट से ज्यादा नहीं कर रहे, पर कुछ लोग खाली और टेक्नो की थीम में गए, तो क्या हुआ, अभी सबसे ज्यादा वही अफेक्ट हुआ है। एक जमाने में बैंकिंग अफेक्ट हुआ था, उससे पहले बैंकिंग अच्छा चल रहा था, लोग पूरे पूरे बैंकिंग में ही डाल रहे। ऐसा नहीं हो करने का, इंडिया ग्रोथ कर रही है, सेक्टर नहीं, सेक्टर उनके पार्ट है, राइट। तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2017 में ऑटो में मंदी आई, तो ऑटो के जो स्टॉक थे उनको जबरदस्त गिरावट आई, उन्होंने बढ़िया कमा कर दिया था। पर 2017 के बाद ऑटो मंदी के माहौल में था। इनफैक्ट जब कोविड आया दोस्तों, ये एग्जैक्ट 61.8% के गोल्डन रिट्रेसमेंट से रिकवरी आई, और अभी 3 महीने पहले, 4 महीने पहले हमने ब्रेकआउट दिया है। तो ब्रेकआउट का मतलब ऑटो इंडस्ट्री को कॉन्फिडेंस है कि अब हमारे धंधे लाइफ टाइम हाई आएंगे। लेट मी टेल यू फ्रेंड कि ऑटो इंडस्ट्री के धंधे वॉल्यूम लाइफ टाइम हाई नहीं आएंगे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। पर क्या होता है, वॉल्यूम भले उनके जो बढ़ते, ये लोग भाव भी बढ़ाते रहते, जैसे 2 व्हीलर ने 5 बार भाव बढ़ा दिए पिछले साल, राइट। तो भाव बढ़ाने से वॉल्यूम उतने के उतने रहने पे भी इनके धंधे बढ़ते, राइट। तो अभी हम उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों कि यस ऑटो में अच्छा रहेगा। फिर भी कितना निवेश करने का, 5-10%, अगर आप 100 रुपया शेयर बाजार में डाल रहे हो, जस्ट अ मिनट, 100 रुपीज, तो उसमें 10 रुपीज ऑटो में हो तो बराबर है। देखो हम लोग तो 5 से 10 के बीच में निवेशक है ऑटो। यस ऑटो में परफॉर्मेंस रहेगा, घबराने की चिंता नहीं है यहाँ। तो अभी कहाँ पे निवेश करना चाहिए और क्या हाल है, सबसे पहले मैंने टाटा मोटर इसलिए बताया दोस्तों, और टाटा ऑटो की सबसे बड़ी कंपनी है, इनके रिजल्ट पे दोस्तों ध्यान रख। हमने निवेश टाटा में वर्षों से नहीं किया हुआ है, क्यों नहीं किया है, टाटा मोटर एक हाईली डेब्ट बर्डन कंपनी है, ये बिल्कुल अच्छा पैसेंजर व्हीकल में भी नहीं कर रहे थे, कॉमर्शियल व्हीकल में भी मार्केट गिरता जा रहा था, बुरे हाल थे। ये पिछले 2-3 सालों से ही वापस से अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला, इन्होंने कुछ मॉडल बहुत अच्छे लॉन्च किए, और टाटा मोटर डोमेस्टिकली अपना मार्केट शेयर बढ़ाने में सक्सेस रहा है। तो यस टाटा मोटर अच्छा कर रहा है पैसेंजर व्हीकल में अलोंग विद कॉमर्शियल व्हीकल, बराबर। रखो पर डेब्ट बर्डन जबरदस्त, बिल्कुल फ्री नहीं रहने का। इसीलिए देखो दोस्तों मैं आपको डेंजरस डेटा दिखाऊं, ये 1995 का टाटा मोटर, चलो ऑटो में तेजी जबरदस्त थी, ऑटो आपका 5 गुना हो गया, राइट, 2010 से लेके 2017 तक इसने भी अच्छी रैली की थी। पर फिर हुआ क्या, जैसे ऑटो में मंदी आई, ऑटो 61% टूटा, टाटा मोटर कितना टूटा, अरे यार ये 1995 के भाव पे आ गया, अच्छी बात है क्या, क्यों, क्योंकि जब ग्रोथ मिल रहा था आपके शेयर बाजार में, शेयर दौड़ते हैं जब ग्रोथ मिलता है तो, पर अगर क्वालिटी नहीं रहती है तो प्रॉफिट ज्यादा टूटते हैं। तो यही आपको टाटा मोटर में देखने को मिला। कोविड के समय पे ये 1995 के दाम, मतलब यार 3 दशक पहले जिसने निवेश किया भाव वही के वही, दिस इज नॉट गुड यार। इंडिया जैसी कंट्री में जहां 10-10% का ग्रोथ होता है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं, राइट। अब अगर आपका टाटा मोटर धीमे धीमे डेप्ट
पे धीमे धीमे कम रहता है, ग्रोथ अच्छा करता है, तो फोकस करो। पर फिर भी जितना धंधा बढ़ेगा उतने प्रॉफिट नहीं बढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि डेप्ट काफी हाई है, राइट? तो ध्यान रखो, अगर है इन्वेस्टमेंट तो 1-2% से ज्यादा मत, बराबर है? कंपनी का बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है। देखो, हमारे पास भले शेयर नहीं है, पर खुशी होती है जब अपनी इंडियन कंपनी के सेल्स पैसेंजर व्हीकल में बढ़ते हैं, राइट? सो दैट्स ग्रेट। तीसरा ये मारुति दो। देखो, मारुति ने भले बाजार ने ब्रेकआउट 2010 में दिया, मारुति ने जबरदस्त परफॉर्मेंस उस समय दिया, क्योंकि देखो पैसेंजर व्हीकल की बिक्री बढ़ रही थी, टाटा मोटर भी उसका थोड़ा लाभ उठा रहा था, मारुति बहुत लाभ उठा रहा था, क्योंकि मारुति के पास 50% मार्केट रहता है ये सेक्टर में, वो टाइम पे तो बहुत बड़ा मार्केट था। अभी भी का मार्केट इन्होंने सस्टेन तो किया हुआ है, पर मारुति डेब्ट फ्री कंपनी है, तगड़े मार्जिन है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट किया है। टाटा मोटर ने कितने साल लॉस में निकाला है, तो इसीलिए टाटा मोटर जब 1995 के दाम पे आ गया, तो मारुति 61% पे अटक गया। ये परफेक्ट आपके 61% के गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल से दोस्तों बाउंड हुआ है, राइट? तो मारुति से मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों, अब आने वाले समय में परफॉर्मेंस हमको मारुति का दिखेगा, राइट? हम 1-2% यहाँ पे इन्वेस्टेड रह सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा कमाल कर दिया यार। देखो, महिंद्रा एंड महिंद्रा पे भी डेप्ट है, हालांकि टाटा मोटर पे तो बहुत ज्यादा डेप्ट है अपनी इक्विटी के मुकाबले, महिंद्रा महिंद्रा पे भी डेप्ट है। तो जब गिरावट आई तो देखो ये 61 से भी नीचे गिरे हुए थे, 80%। लेकिन दोस्तों, पोस्ट कोविड एग्री आउटपुट बहुत बढ़े इंडिया, एग्रीकल्चर इकोनॉमी में जबरदस्त ग्रोथ आया, और एग्री में इनकम बढ़ने से होता क्या है, जब रूरल में इनकम बढ़ी, उसकी इफेक्ट आपने इनके ट्रैक्टर की बिक्री में देखी दोस्तों। ट्रैक्टर आउट परफॉर्मिंग सेक्टर बना, इंडस्ट्री बना है पोस्ट कोविड, तो एग्री रिलेटेड जो सेक्टर है बढ़िया कर रहे, और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आप देख रहे हो पहले ब्रेकआउट दे दिया, राइट? सो दैट्स ग्रेट। और ये रहना चाहिए दोस्तों, आने वाले 10-12 साल हम तगड़ा ग्रोथ महिंद्रा एंड महिंद्रा से उम्मीद करेंगे। अगेन, हमारा कुछ खास इन्वेस्टमेंट नहीं है, पर इट्स ऑल राइट, आपका इन्वेस्टमेंट है, बने रहो, और ये ट्रेडर रिपोर्ट आया है एक्यूमुलेट करो, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी रैली हम देखेंगे, बराबर है? हीरो मोटर बुरे हाल है यार, हीरो मोटर के बिल्कुल टू व्हीलर में बिल्कुल खराब कर रहे, मार्केट शेयर डिक्रीज होता जा रहा है, दूसरे लोग आगे निकलते जा रहे हैं, राइट? डेब्ट फ्री कंपनी है पर ग्रोथ नहीं है, तो खाली क्वालिटी से कुछ नहीं होता है, क्वालिटी के साथ क्या चाहिए, ग्रोथ चाहिए, बराबर? आपके पास है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब वापस टू व्हीलर की बिक्री अब धीमे धीमे चल रही है, तो हीरो भी यहां से रिबाउंड होगा, पर इतना ध्यान रखो दोस्तों, होंडा के साथ स्प्लिट होने के बाद इनका ग्रोथ अच्छा नहीं रहा, राइट? तो हमारे पास तो नहीं है, पर हम ऐसा भी नहीं है कि इसमें इन्वेस्ट करेंगे, कोई बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो, राइट? बजाज ऑटो टू व्हीलर में चौथे नंबर पे है, डोमेस्टिकली ठीक ठीक कर रहे, अच्छा नहीं कर रहे, मार्केट इनका डिक्रीज हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर ऑटो में टू व्हीलर में कोई खिलाड़ी है, तो वो नंबर वन खिलाड़ी आपका बजाज है, क्योंकि इनका 50% धंधा दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट पे आ रहा है अभी। यहाँ लेकिन इंटरनेशनल मार्केट इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है दुनिया भर की मंदी होके कारण, पर टू व्हीलर में भी मार्केट शेयर कम हुआ है, थ्री व्हीलर में भी मार्केट शेयर कम हुआ है, तो बजाज ऑटो को ऑब्वियसली दोस्तों सेल्स पे ध्यान रखना पड़ेगा। अभी थ्री व्हीलर में रिबाउंड आया है, मतलब सेल्स अच्छे ग्रोथ हो रहे, टू व्हीलर के भी डेटा देखे सेल्स अच्छे ग्रोथ हो रहे, तो कम से कम ये जो करेक्शन मोड है, हम थोड़ा यहाँ पे नीचे की तरफ माहौल नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि ग्रोथ आया है, तो ग्रोथ का फायदा तो अभी बजाज ऑटो को भी होगा, तो हम अच्छा ग्रोथ उम्मीद करेंगे दोस्तों बजाज ऑटो में। डेप फ्री कंपनी है, तो ये क्वालिटी भी अच्छी है, ग्रोथ के साथ जब क्वालिटी मिलेगी तो कमाल होगा दोस्त, राइट? तो या बजाज ऑटो में निवेश कर रहे हो, लोअर लेवल पे एडिशन करते जाओ, कोई चिंता नहीं है, बराबर है? पर यह ध्यान रखने का और मैनेजमेंट के साथ भी करना पड़ेगा, उन तक बात तो पहुंचनी चाहिए कि ग्रोथ नहीं करोगे नहीं चलेगा, बराबर है? सो दिस वॉज ऑल द थिंग्स फॉर ऑटो डेटा। आप क्या करेंगे दोस्तों, एक एक करके रिजल्ट देखेंगे। देखो, बजाज का आ गया, दूसरे नतीजे आएंगे, ये जो आपने सितंबर तक के डेटा देखे इसके अंश आपको नजर आएंगे, पर आपको देखना पड़ेगा। जैसे बजाज के हमने डोमेस्टिक डेटा देखे, पर बजाज का आधा धंधा इंटरनेशनल से आ रहा है, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। टाटा मोटर को भी आधा धंधा इंटरनेशनल से आ रहा है, पर ज्यादातर जो कंपनियां जो डोमेस्टिकली है, डोमेस्टिकली धंधा करती है, उनके डेटा आपको इधर से पता चल जाएगा,
चलो बजाज ऑटो तो मेरे ख्याल से हमारे स्टूडेंट रिजल्ट एनालाइज करके प्रस्तुत करने वाले, आपको वहां से डेटा मिलेंगे, मैं भी रिजल्ट अपलोड करके कम से कम टेक्स्ट फॉर्मेट में आप लोगों को दे दूंगा। तैयार हो जाओ दोस्तों क्वार्टर 2 रिजल्ट के लिए। पूरी मंदी में, दुनिया में मंदी है, इंडिया में इफेक्ट है, एक्यूमुलेट करो ऐसी चीजें जो ग्रोथ देगी आने वाले समय में। सो थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू एवरीबडी।